अच्छी लगी, बढ़िया लगी है, बहुत मतलब बहुत अच्छा मूवी है। स्टोरी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको कितनी पसंद आई? या स्टोरी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छा है क्योंकि मतलब रियल स्टोरी है। और इवन मैं बार बार, क्योंकि मेरे एक दो और ऐसा मतलब इंटरव्यू हो गया, मैं बोल रहा हूँ उसमें VFX बहुत अच्छा है और VFX वो हमारी ही टीम ने किया है और इसलिए मैं फर्स्ट शो देखने गया। इवन जो भी है, जो रॉकेट जो भी लॉन्चिंग वगैरह उसमें मतलब प्रेजेंट किया। परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब सभी एक्टर ने अच्छा किया, शर्मन जोशी ने बहुत अच्छा किया, विद्या बालन इट्स रियली ऑलवेज सुपर, और फिर अक्षय कुमार तो अभी उन सब लेवल से ऊपर है। 4.5 बहुत अच्छी फिल्म है। टू सम अप विद वन वर्ड, द मूवी इज़ आउटस्टैंडिंग। फिल्म का कंसेप्ट, फिल्म का कंटेंट, फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो दुनिया के बड़े से बड़े देश नहीं कर पाए उसके बारे में कहानी है। हम लोग दुनिया की एक ही कंट्री है जो आज तक मार्स तक पहुंच पाई, वहाँ के लाइव फीड्स, वहाँ की लाइव फ़ोटोज़ जाके लेकर आए हम लोग। नासा ने ये चीज़ 4 बार ट्राई की, फेल हुए। चाइना ने 8 बार ट्राई की, वो फेल हो गए। फिल्म में भी वो दिखाया गया है। सो इट्स अ वेरी गुड मूवी, टेकन विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। परफॉर्मेंसेज में अक्षय कुमार हैंड्स डाउन ही इज़ द विनर ऑफ द एंटायर मूवी। काफ़ी मूवी उनके ऊपर ही रिलाई करती है, इज़ द प्रोटैगनिस्ट, और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। मेनली मूवी फीमेल ड्रिवन है, बिकॉज इसरो की जो एक्चुअल टीम थी उसमें भी फीमेल मेंबर्स ज़्यादा थे, सो वैसे ही दिखाया गया है फिल्म में। तो जितनी भी एक्ट्रेसेज हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, कृति कुल्हारी है, तापसी पन्नू है, और भी एक दो एक्ट्रेसेज हैं, सबका काम बहुत अच्छा है। दे लुक वेरी कन्विंसिंग एज साइंटिस्ट, कोई भी मिसफिट नहीं लगा। बहुत अच्छा है फर्स्ट हाफ, तो मतलब पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा आपको, फिल्म इतनी ज़्यादा एंगेजिंग है। पोस्ट इंटरवल कहीं ना कहीं फिल्म थोड़ी ढीली पड़ती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन लाइनर्स एंड ह्यूमरस सिचुएशंस आप एंगेज रहते हो फिल्म में। डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, स्क्रीन प्ले इज़ वेरी गुड, एंड स्पेशल मेंशन फॉर दी VFX टीम, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, हॉलीवुड के क्लास का VFX है फिल्म में, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। जी पेट्रियोटिक तो है फिल्म, इंडिया का सबसे बड़ा मिशन था और हम लोग ने ही ये मिशन एग्जीक्यूट किया है, तो प्राउड की बात तो है ही। और टुडेज डेट वाज वेरी मच यू नो कन्वीनियंट फॉर देम टू रिलीज दिस मूवी। बहुत अच्छी फिल्म है और ये चलेगी फिल्म, 100 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेगी, नथिंग ऑफ दैट। 4 स्टार आउट ऑफ 5। मिशन मंगल तो मंगल है, दिल में मंगल है तो मंगल पर पहुँच जाएंगे। एंड दिस इज अ बेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर ऑल इंडियन सो ये मूवी आप हर किसी को देखना चाहिए। अगर आप इंडियन हो, एक इंडियन होने के नाते ये मूवी हर किसी को देखना चाहिए। इट्स द बेस्ट मूवी और द बेस्ट गिफ्ट ऑफ रक्षाबंधन इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत धन्यवाद बॉलीवुड को जो ऐसी मूवी बनाया और ये दिन पे रिलीज किया और ऐसे ऐसे एक्टर को लिया जो बिल्कुल फिट बैठते हैं उनमें। बहुत पसंद है, तो जो भी जो जो कैरेक्टर्स लिए गए, तो कोई भी सब एक्सपीरियंस कैरेक्टर हैं और अक्षय कुमार, विद्या बालन तो सबसे हटके हैं, स्पेशली नित्या मेनन, शी लुकिंग वेरी क्यूट, और उनकी स्माइल जो है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है उनकी स्माइल, एंड शी लुकिंग वेरी क्यूट, एंड काम बहुत अच्छा है, डायरेक्शन सुपर्ब, एंड स्क्रीन प्ले VFX ऑल आर अमेजिंग। सो 5 out of 5, बट मैं 100 दूंगा। दिस इज फिल्म फॉर इंडिया एंड आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स who makes possible to reach Mangal, and पूरी दुनिया से बोलो copy that। So ma'am, आपको मूवी कैसी लगी मिशन मंगल? पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी। अक्षय कुमार का काम, विद्या बालन का काम बहुत ही अच्छा था, कि मतलब एक लेडीज होकर के इतना बड़ा मिशन उन लोगों ने किया। और सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मतलब बट नेचुरली बहुत ही अच्छा था सबका। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे आप? आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 5 स्टार। अच्छी लगी मूवी। स्टोरी कितनी पसंद आई आपको? स्टोरी तो ये सच्चाई है, एक जो कुछ दिखाया है, कुछ ऐसा ड्रामा व्रामा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट था, बहुत अच्छा लगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसका पसंद आया? परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, मतलब हर बार होता है अक्षय कुमार स्टील करते हैं शो, लेकिन यहाँ सब अच्छे हैं। डायरेक्शन वाइज? हाँ, डायरेक्शन वाइज इज गुड। ओके, मूवी बहुत अच्छी लगी। मूवी A1 है। 15 अगस्त है आज, अक्षय कुमार का देशभक्ति वाला पिक्चर है, ऊपर से इसमें मोदी जी का एक छोटा सा क्लिप है, जिसके लिए दिल एकदम बाग बाग हो गया, और पिक्चर इतनी अच्छी बनाई है कि हर आदमी को देखनी चाहिए। सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना? परफॉर्मेंस A1, सबका परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन तरीके से अदाकारी की है सबने। डायरेक्शन आपको पसंद आया? बहुत ही अच्छा डायरेक्शन, तो इतना अच्छा लेवल का किया है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं है।
विद्या बालन का रोल है, श्रमण जोशी का, जिसका भी जो जो रोल दिया है, तापसी पन्नू का, इतनी अच्छी तरह से बखूबी निभाया है कि मैं क्या बताऊं। ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज हुई है, तो कितनी पैट्रियोटिक लगी? बहुत ही पैट्रियोटिक तो है ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। 15 अगस्त के दिन रिलीज हुई है, बहुत अच्छी बात है, और इसरो का भी इस साल 50वां साल हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ 5 फुल 5 वेरी नाइस। कंटेंट था, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, सब कुछ बहुत अच्छा था। मीन्स हम लोग जैसे कि आजकल सॉन्ग्स या फिर हम सोचते कि बड़े बड़े एक्टर्स रहेंगे तो ही मूवी अच्छे लोकेशंस रहेंगे, इसमें कोई लोकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको कंटेंट दिखने मिलेगा, आपको डायलॉग सुनने मिलेंगे, और आपको सच में कुछ करते हुए देखने मिलेगा। दैट इज़ द वे, लग रहा है कि हम रियल में ही कुछ कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। एवरी वन हैज़ देयर ओन एसेंस। इसकी विद्या बालन हैव देयर ओन एसेंस, शी हैव द टच। अक्षय कुमार सबको मोटिवेट कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज जॉइनिंग हैंड टू हैंड्स फॉर मिशन मंगल, एंड इट्स अ मिशन मंगल। आपको डायरेक्शन कितना पसंद आया? वेरी, आई एम सेइंग वेरी नाइस, वी हैव अ कंटेंट। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? ऑफ कोर्स 4 and 5। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। ये फिल्म की स्टोरी कितनी पसंद आई? स्टोरी तो पूरा रियल स्टोरी है, अपने देश का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मिशन मंगल, तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, और बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, और मस्ती मजाक के साथ पूरा डिटेल में बताया गया है स्टोरी को, तो एक नॉर्मल पब्लिक के एंटरटेनमेंट भी होगा और एजुकेशनल भी होगा। सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना है? बहुत अच्छी है, सबने अपने अपना अपने अपने स्टेज पे सबने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और ये जो गर्ल्स की वुमेंस की जो टीम है वो एम्पावरमेंट है अपने देश की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मतलब अपने देश के लेडीज़ लोगों को भी बहुत मोटिवेट करती है कि जो ड्रीम है उनको पूरा करने के लिए एक्चुअली कितना कर सकते हैं। तो ये मूवी एक मैसेज दे रहा है, या तक ये मैसेज पहुंच पाएगा? पहुंच पाएगा जरूर, ऑफ कोर्स पहुंचेगा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स हो गया? 5 आउट ऑफ 5।